बसमीम्स आज पाँच मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ के, के जो कारकुनान हैं जो आर्मी की कस्टडी में हैं जिसमें से बीस को तो रिहा कर दिया गया था जिनको एक एक साल की सज़ा दी गई थी बरी कोई भी नहीं हुआ एक सौ पाँच लोग हैं उसमें से बीस लोगों को रिहा किया गया और ये वो थे जो एक, -एक साल जिनको सज़ा हुई थी तो आप अंदाज़ा लगाएँ के अगर एक साल वालों को अब रिहा किया तो उसका मतलब है बाकी भी जितने लोग थे कोई बरी होने वाला नहीं था बाकियों की सज़ाएं फिर ज़्यादा होंगी क्योंकि जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो चुका है और फैसले लिखे जा चुके हैं सिर्फ जारी नहीं हुए अब जो आर्मी अदालतों से मतलब फ़ैसला जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब जस्टिस शाहिद वहीद साहब का जब नाम आता है वो लाहौर हाईकोर्ट से बतौर जज तशरीफ़ लेके गए थे और उस वक्त जो सबक सुप्रीम कोर्ट थी जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे तो उनके साथ फिर जो जिनका शुमार होता था उसमें जस्टिस शाह वहीद साहब जस्टिस ायशा मलिक साहबा और बाकी जस्टिस आयशा मलिक साहबा को तो बिल्कुल किसी और बेंच में इस तरह नज़र ना आया लेकिन जस्टिस शायद वहीद साहब को इस बेंच में शामिल किया गया था अब जस्टिस शायद वहीद साहब ने हाथ से लिखा इजाफी नोट दिया उस तहरीरी फैसले में और वो तीन लाइनों का इजाफी नोट है, जो पूरे के पूरे, के पूरे केस को समझा देता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से जो इंसानी हकूक़ हैं या बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़े मामला केसेस में और इनकी अर्जेंसी क्या है इनको क्यों जल्द अज जल्द डिसाइड करना होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसको आपके सामने मैं शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो कोर कमेटी के अजलास के बाद दो शदीद रद्दमल सामने आए हैं एक तो अनवारल्ला काकड़ की जानब से जो कन्फेशन किया गया है नो लीक के हवाले से कि आप फॉम फोर्टी सेवन का मैंने जिक्र किया तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे एक उसके ऊपर और एक जो सुप्रीम कोर्ट आफ़ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में एक स्टेटमेंट दी गई है वफाकी हकूमत की, की जानब से कि वो को आइनी तरमीम करने जा रहे हैं और जिसमें एक्सटेंशन के हवाले से भी पी टी आई ने बात की है बड़ा शदीद और सख्त रदल है जो पी टी आई ने दिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हम फिर आ जाते हैं तहरीरी फैसला आर्मी अदालतों से मतलब और जस्टिस शाहद वहीद साहब का जो आदा, आदा उन्होंने अपना इजाफी नोट लिखा अनवार काकड़ के हवाले से लिखा गया है गंदम स्कैंडल इसकैंडल पर जो अनवार्ला का, अनवारोल काकड़ और तलख कलामी हुई थी हनीफ़ अब्बासी की उसके ऊपर पाकिस्तान तहरिका के तर्जान ने कहा कि सबक़ निगरान वजे अजम और हनीफ़ अब्बासी के दरमान तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है अनवारुल्ला काकड़ और हनीफ अब्बासी में होने वाली तलह कलामी दरअसल मैंडेट चुराने का एतराफ़ जुर्म है पी टी आई तर्जमान ने कहा कि सबक निगरान वजी अजम का मुसलत होने वालों को फार्म फोर्टी सेवन की धमकी देना असल हक़ाक से पर्दा चाक करता है सबक निगरान वजे अजम और मौजूदा हुक्मरान जमात के रुकन की गुफ्तु शफाफ तहकीक की मतकाजी है पी टी आई ने कहा कि मैंडेट चुराने वाले अपने जराम तस्लीम करने की बजाय एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं गंदम दरामदी दरामदी स्कीम पर बेसूद तहकीक़ात कौमी मुजरमों को बचाने की गिनोनी साजिश है तहरीक के तर्जमान का कहना था कि जुडिशल कमीशन कायम करके इजाफी गंदम दरामद करने के जिम्मेदारान का एहतान किया जाए जुडिशल इंक्वायरी के जरिए इंतबी नतज में रदो बदल के पीछे कारफरमा कार अनासर को भी बेनकाब किया जाए अवामी मैंडेट हकीकी हकदारों को वापस किया जाए ये पाकिस्तान तहरिकाब की जानब से मुतालबा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो इल्ज़ाम है फॉम फोटी सेवन का और गंदम का जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम है एक तो इंतबात के हवाले से अब कोई शक नहीं बच गया जो इंतब करवाने वाला था वो ख़ुद वही बात कह रहा है फॉम फोटी सेवन की जो पाकिस्तान तहरिकाब का और अवाम पाकिस्तान का पहले दिन से एक दावा था या उनका मुतालबा था दूसरी जानब जो गंदम स्कैंडल के हवाले से उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए और ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है कूमत की जानब से ये असल मुजरमों को छुपाने के लिए है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कहा गया दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इदारों की जो तबाही है उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो आ, इस तरह के फैसले हैं जो मुलाजमत में तोसी दी जाती है तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने कहा कि चीफ जस्टिस की मदद मुलाजमत में तोसी शर्मनाक और काबिल मजम्मत अमल होगा अगर हुकूमत ऐसा कुछ करना चाहती है जजस तकर्ररी आइनी तरामीम पर रद्दमल का इज़हार करते हुए कहा गया कि मुल्क में इदारों की जो तबाही हो रही है जजस तकरी आइनी तरामीम इसी रवायत का तसलसल है हकूमत ने पिछले दो बरस में हर वो फैसला किया है जिससे आयन व कानून की बालादस्ती को नुकसान पहुँचता है और इदारे कमज़ोर होते हैं तर्जमान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान इदारों को इसलिए कमज़ोर करते हैं ताकि अपने गैर कानूनी और गैर आइनी एजेंडे को आगे बढ़ा सकें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मदत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल अख्तियार किया वो आइन व कानून के हवाले से नहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है तर्जमान पी टी आई के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी याजीसा साहब ने आइन व कानून की बालादस्ती पर समझौता करके अपने मनसब की वक्त को कम किया है काजी फायजीसा साहब ने अदलिया की आज़ादी में मावरा दस्ूर और मावरा जमुरियत क़ूतों का दरवाज़ा खोला है जिसके भयानक असरा दूरस होंगे ये पाकिस्तान तहरीफ इल्ज़ाम लगा रही है और दावा कर रही है कॉम यह सम, समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से बल्ले का निशान छीनने और इसके मैंडेट पर डाका डालने में सहूलत कारी की गई जिसका मुआवजा एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है पी टी आई तर्जमान का कहना था कि चीफ जस्टिस की मदद मुलाजमत में तोसी नहायत काबिल मजम्मत है पाकिस्तान का दस्तूर ऐसे किसी भी मखसूस शख्स के लिए आइन में तरामीम की इजाज़त नहीं देता कानून साजी हमेशा इन मौजूद पर की जाती है जहाँ इज्तमी मफाद हो पी टी आई इस तरह मीम की हर कानूनी और जमहूरी तरीके से मुखालफ करेगी और इसका रास्ता पार्लिमान में भी रोकेगी ये पाकिस्तान तहरीक की जानब से कहा गया चूँकि अब ये कल का जो दिन है मैं समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया को सबसे पहले तो जो मज़द जजस की जानब से ख़त् लिखा गया अगले हफ्ते में आ, आ, उसके ऊपर भी समात है सात मई को लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो लाहौर हाई कोर्ट में हलचल है चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया आठ जजेस का बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल उसके ऊपर भी अगले हफ्ते में बड़ी हलचल होने का इम्कान है दूसरी जानब कल एक समात होने जा रही है मखसूस नशस्तों के हवाले से पी टी आई की मैं ये समझता हूँ कि कल का वो जो केस है वो अदलिया का और पाकिस्तान का मुस्कबिल कल लिख देगा कि अब क्या मामल बेहतर होंगे क्या जो नीचे अदालतों के फ़ैसले या इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले दुरुस्त अगर नहीं थे तो क्या उनको दुरुस्त किया जाएगा या कंटिन्यू किया जाएगा अब अगर तो कल उस केस को सुनते हुए अदालत की जानब से कोई बड़ा फ़ैसला नहीं आता तो फिर तो आइनी तरमीम के लिए रास्ता खुला है और फिर इसका मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर जो हकूमत है वो आइनी तरमीम कर सकती है अगर कल मखसूस नशस्तों पर आ, स्टे हो जाता है यह अदालत की जानब से बड़े को सख्त रिमार्क्स आ जाते हैं और अदालत एक दो दिन में जवाब तलब कर लेती है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये अदलिया की तारीख का कल मखसूस नशस्तों से मतलब जो पाकिस्तान इंसाफ की दरख्वातों पर जस्टिस मंसूर अली शाहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब समात करने जा रहे हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब कल का दिन इंतहा अहम है और मैं दुआ गो हूँ कि अदलिया अब इस आजमाइश से निगल है और अदलिया सुरख्रू हो और अवाम पाकिस्तान पर अतमाद मज़ीद बेहतर हो अदलिया के की तरफ से अब देखते हैं कि कल इसमें कल का दिन बहुत अहम है दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो चूँकि पिछले हफ्ते समात हुई थी और ये अहम समात थी फ़ौजी अदालतों से मुतल ये निगरान हुकूमतों ने जो पहले छः रुकनी बेंच का फ़ैसला था जिसमें आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया गया था उस फैसले को चैलेंज किया जो जाज़ुल्हसन साहब की सरबराही में एक बेंच था उस फैसले को चैलेंज किया गया था निगरान हकूमत, निगरान पंजाब निगरान खैबर पखतूनख्वा निगरान बलोचिस्तान निगरान सिंध की जानब से भी आया था फिर उन्होंने वापस ले ली थी अब उन्होंने दरखास्तें दायर की थी और असल बात तो ये थी कि ये कैसे अपीलें मेनटेनेबल कैसे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वफाकी हुकूमत कैसे या सुबाई हुकूमतें कैसे मुतासर होती हैं पहला सवाल तो यह था लेकिन वो बेंच के ही तश्कील बेंच का एतराज बेंच का टूट जाना इसी मामले में कई महीने गुजर गए अब छः रुकनी बेंच ने समात की तो छः रुकनी बेंच में जो समात में ये तफसी जमा करवाई गई कि 20 अफराद को रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 अप्रैल की समात का तहरीर रुकनामा जारी किया है में कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिहा होने वाले 20 अफराद की फहरिस्त जमा करवाई है वगला ने अदालत से अटॉनी जनरल को बीस अफराद के फैसले तलब करने की इस्त की है अटॉनी जनरल बीस अफराद के मुकदमा के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएँ आप जो तमाम वक्ला थे दरख्वास गुजारों के उन्होंने कहा कि पहले वो फैसले तो मंगवाए ना जो बीस अफराद को दिए गए हैं चूंकि वहाँ से पता चलेगा कि वहाँ कैसी समाप्त हुई है कैसे फैसले हैं और किस तरीके से मामला आगे चलेंगे एक तो हुक्म दिया गया कि वो फैसले जमा करवाए जाएँ हुक्मनामे के मुताबिक वकील दरख्वात गुजार ने बेंच पर इतराज़ा उठाते हुए गुजशत समाज के हुमन का हवाला दिया सलमान अक्रम राजा और इतजाज़ अहसन ने भी लार्जर बेंच तश्कील देने पर दलाइल दिए हुक्मन में कहा गया कि मोज़ वकला से इस्तार किया गया कि क्या वार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं तो वकला ने गुजारशात कमेटी के सामने रखने का मौक़ अपनाया वकला की सदा मुनासिब समझते हुए मामला कमेटी के सामने रखना मुनासिब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहरीर तहरीरनामा के मुताबिक लार्जर बेंच के मामले पर वकला की गुजारशात का कमेटी फ़ैसला करेगी जस्टिस हसन अजहरीज जस्टिस जो थे अपना शायद वहीद साहब उनका इजाफी नोट पीस में लगा हुआ है अब एक तो बेंच के हवाले से जो आखिरी पैराग्राफ सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ दो दी लर्नड कौंसल मिस्टर हामिद खान सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हु मूव अप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेड एज पास हिज अप्लीकेशन बट वी हैव नॉट हेयर हिज आर्गूमेंट कि उन्होंने जो है वो एक हामिद अली ख़ान ने एक दरख्वास दायर की है कि मुझे भी इस केस में पार्टी के तौर पर इम्पलीट किया जाए अभी हम उसको नहीं मेरिट के ऊपर क्योंकि हमने केसेस को सुनना शुरू नहीं किया अभी तो मामला है बेंच का वी थिंक दैट प्रेयर ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट्स इज रीजनेबल मैटर शुड बी प्लेस बिफोर द कमेटी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रीजन्स एडवांस बाई द लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लार्जर बेंच कि उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए लार्जर बेंच को तो ये मामला भिजवाया जाता है रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार को कहा जाता है अब ये चौबीस अप्रैल का फैसला है पाँ चार मई को इसका तहरीरी फैसला आ रहा है और अभी तक तो ये केस गया ही नहीं है अब इस पर जस्टिस शायद वहीद साहब ने लिखा है कि आई एग्री विद दिस ऑर्डर बट विद एन एडिशनल नोट दैट ऑल दिज केसेस बी सेट डाउन फॉर हेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल कि मैं जो फ़ैसला है उससे मैं मुतफिक हूँ ठीक है इसको लार्जर बेंच को भेजें और लार्जर बेंच इस मामले को देखें लेकिन इसके साथ ही इन एडिशन मैं कहता हूँ कि ये जो मैटर है इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल डिसाइड किया जाए बिकॉज दी क्वेश्चन इन्वॉल्व हेयर इन कंसर्न दाइव एंड लाइबल्टी लाइबल्टीज़ ऑफ़ सिटीज़न के यहाँ शहरीों की ज़िंदगी और आज़ादियों का सवाल है इन केसिस में इस वजह से मैं एडिशनली ये एड करना चाहता हूँ कि इस इन केसेस को जल्द अज जल्द समात करके इनको डिसाइड किया जाए चूँकि यहाँ शहरीों की आज़ादी और शहरीों की ज़िंदगी का मसला है ये तीन लाइनों का इजाफी नोट है जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो लिखा है कि जी उन्होंने कहा जी कि मैं एग्री करता हूँ लेकिन मैं एडिश, एन, एन एडिशन एंड इन एडिशन मैं जो है वो ऐड करता हूँ इजा, इजाफा करता हूँ दैट ऑल दिस केस बी सेट डाउन फॉर हेयरिंग एज सुन एज पॉसिबल कि इनको जल्द अज जल्द समात के लिए मुकर किया जाए और समात किया जाए बिकॉज इट्स के इनकी जानब से क्वेश्चंस इन्वॉल्व देयर इन कंसर्न द लाइव एंड लाइबिलिटी लाइबल्टीज ऑफ़ सिटीजन के जो सिटीजन की आज़ादी और उनकी लिबर्टी और उनकी जो लाइव हैं इन्वॉल्व हैं ये जस्टिस शायद वहीद साहब की जानब से अब देखना यह कि इसको कब चीफ जस्टिस काजी आज साहब की सरबराही में कमेटी लार्जर नौ रुकनी बेंच में समात के लिए मुकर करती है अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासर हो बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद